सब क्या देखना पड़ रहा है? असंभव, असंभव। डाकिट हो वंग ओ भाई ये क्या है? तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। बस तुम लोगों को करना है ये कि तुम लोग इस वीडियो को ना पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। अच्छा, और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर तुम लोग के वाली वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का, तो अभी कर दो। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर ही लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अभी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को आज ना अपने रिमनाम जो ब्लीज होता है ना उस पे, उसके बाद ना तुम लोग सामने वाला जो नाव दिख रहा है ना इसके पास सबसे पहले तो तुम लोग को चले जाना, और यहाँ पे आने से पहले ना तुम लोग को मिनी लॉन्च पैड लेके आना इस वाली जगह पे। तो और हाँ, जैसे तुम अपना मिनी लॉन्च पैड लेके इस वाली जगह पे आ जाओ, फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठ जाना है तुम लोग को, फिर तुम लोग अपने जो मिनी लॉन्च पैड होता है उसे हाथ में लेना है और देखना है कि तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड ना किस वाली जगह पे सही से लग रहा है, क्योंकि वैसे पानी में लॉन्च पैड लगता नहीं है, लेकिन तुम लोग को सबसे पहले देख लेना तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड ना कहाँ पे प्रॉपर लग रहा है और कहाँ पे नहीं लग रहा है, और जहाँ पे लग रहा है तुम लोग को वहाँ पे सबसे पहले अपने मिनी लॉन्च पैड को लगा देना है, और ना तुम लोग को इसी वाली साइड लगाना है जिस साइड में लगा रहा हूँ अपने लॉन्च पैड को। जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाए उसके बाद तुम लोग को जंप करके इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर तुम लोग इसे ऊपर की साइड करना, फिर तुम्हारा जो लीवर और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है, और फिर तुम लोग देख ही सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर ना कैसे लॉन्च पैड के ऊपर तिरछा पूरा खड़ा हो चुका है। मतलब कि ना तुम लोग इस वाली जगह पे देख सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर ना कुछ कैसे खड़ा हुआ है एकदम पानी के मतलब नीचे से लॉन्च पैड पे खड़ा हुआ है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा लॉन्च पैड का जो एम है ना वो सामने की साइड है और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है वाला ट्रिक, और तुम्हारे कैरेक्टर को कोई ऐसा करते हुए कोई इनेमी देख लगा या तुम्हारा फ्रेंड इस ट्रिक को करते हुए देखता है तो पूरा पगला ही जाने वाला है कि क्या है ट्रिक है वाली। मतलब तुम ही लोग देख के बताओ कि ये वाली ट्रिक तुम लोगों ने आज से पहले कभी देखी थी, तो अगर नहीं देखी है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, इस वाली ट्रिक के लिए लाइक बनता है यार। मतलब यहाँ पे तुम लोग देखी तो तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ पे घूम भी सकता है, तो कि देखने में काफी ज्यादा और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब कि ना ये वाला ट्रिक करने के बाद तुम लोग एकदम भूतिया वाला फील आने वाला है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग लग रहा है वाला ट्रिक, और इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने एक बार जरूर से करना तुम लोग। तो यहाँ पे अभी एक और ट्रिक बताने वाला हूँ तुम लोग को, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग एक और ट्रिक कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले तुम लोग को आगे की साइड आना है यहाँ पे, और जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे तुम तैरने लग जाओगे, लेकिन तुम लोग को आराम आराम से जाना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो वाला ट्रिक वर्क नहीं करने वाला है। तो तुम लोग इस वाली जगह पे आराम आराम से कुछ ऐसे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते बढ़ते तुम लोग को ना ये वाला जो खंबा तुम लोग को साइड में दिखाई दे रहा है इसके पीछे आ जाना है, और ना जैसे तुम लोग इसके पीछे आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो इस वाली जगह से, और यहाँ पे ना लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाने वाला है। तो इस वाले ट्रिक के लिए, इन दोनों ट्रिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है, तो कर दो इस वीडियो को लाइक अब। ओके, तो अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को लॉबी में जाना, और जैसे ही तुम लोग लॉबी में आओगे फिर तुम लोग बेपन वाले सेक्शन में चले जाना है, और जैसे ही तुम लोग बेपन वाले सेक्शन में आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा जो AWM होता है ना, जो अपना रेड वाला AWM होता है या कोई सा भी तुम लोग ना AWM या कोई भी गन ना लेजेंडरी वाला हाथ में ले सकते हो तुम लोग, तो सबसे पहले तुम लोग को किसी गन को हाथ में लेना है, और जैसे तुम लोग गन लेके आओगे फिर तुम लोग को सेटिंग में जाकर अपने गेम को लॉग आउट कर देना फटाक से, और ना जैसे तुम्हारा गेम लॉग आउट हो जाएगा फटाक से तुम लोग को फिर से लॉग इन कर लेना अपने गेम को, और फिर तुम लोग को ना जैसे तुम्हारा गेम लॉगिन हुआ तुम लोग को एक बार टैप करना है गेम पे, फिर तुम लोग फटाक से डाटा को ऑफ कर लेना है, और यहाँ पे ना नेटवर्क इरर का ऑप्शन आएगा, दो तीन बार टैप टैप कर देना है, फिर तुम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को फिर से ऑन कर लेना है, और जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑन करोगे तो सबसे पहले तुम लोग करना है कि तुम लोग वर्ल्ड में चैट होता है ना, वर्ल्ड चैट में तुम लोग सबसे पहले तो रिक्वेस्ट भेज देना है फटाक से, और जैसे तुम लोग वर्ल्ड चैट में रिक्वेस्ट भेजोगे फिर तुम लोग आ जाना अपने वॉल्ट वाले सेक्शन में, और जैसे तुम लोग वॉल्ट वाले सेक्शन में आ जाएगा तुम लोग ऊपर की साइड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद तुम लोग देखते तो तुम्हारा लॉबी ना पूरा कैरेक्टर वाले सेक्शन में बन चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है। मतलब तुम लोग यहाँ पे देखिए तो वर्ल्ड वाले बंदे ना मेरे पूरे कैरेक्टर वाले सेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग लग रहा है, और यहाँ पे नीचे में पूरे कैरेक्टर्स को भी देख सकता हूँ, और जैसे मैं कोई कैरेक्टर चेंज करूंगा तो उसी के साथ ना मेरा गन्स भी चेंज होगा और इसका एक्शन भी चेंज होने वाला है। जैसे मैं एंड्रू को ले रहा हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा AWM का ना खतरनाक वाला स्किन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है एंड्रू के एक्शन के साथ। मतलब तुम लोग यहाँ पे देखिए तो अपना एंड्रू ना पीछे से अपने AWM को लेके आ रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है। तो इस वाले ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके।
तो भी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग इस वाले प्लेस में आ जाना अपने नेक्स्ट्रा मैप के, और जैसे ही तुम लोग इस वाले प्लेस में आ जाओ फिर तुम लोग को यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग इस वाले खिड़की से फुदक के इस वाले रेलिंग पे आ जाना सबसे पहले तो, और तुम लोगों ने बहुत ही आराम से यहाँ पे आना और स्कोप ऑन करके इसके ऊपर जंप करके रेलिंग पे आ जाना, और जैसे तुम लोग रेलिंग पे आ जाओ फिर तुम लोग अपना जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना उसको लेके आना इस वाली जगह पे, फिर तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना आराम से कुछ इस वाली जगह पे ऐसे लगा देना अपने जो ब्लू वाला पट्टी है ना, मतलब जो अपना बनाया गया है यहाँ पे बेड़ा टाइप का, इस पर लगा देना तुम लोग को सबसे पहले तो, फिर तुम लोग को इसका ना तोड़ देना पूरा, जितने भी सारे तुम लोग को लाइन से दिखाई देते हैं ना सबको तोड़ देना सबसे पहले तुम लोगों को, और ना जैसे तुम लोग सारे ब्लू वाले को तोड़ देगा उसके बाद तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड ना पूरा हवा में लग चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है, मतलब कोई नहीं में भी देखेगा तो कैसे हवा में अपने मिनी लॉन्च पैड को कोई लगा सकता है वो पूरा पगला ही जाने वाला है कि क्या ट्रिक है, क्यों हिला डाला ना। और यहाँ पे ना अगर तुम लोग स्क्वाड खेलते हो तुम्हारे फ्रेंड भी ये वाले ट्रिक को देखते हो तो पूरा पगला ही जाने वाले कि क्या ही खतरनाक और अमेजिंग ट्रिक है वाली, और यहाँ पे जंप करके ना कुछ ऐसे तुम लोग इसके ऊपर चढ़ भी सकते हो, और अब तो ये और ज्यादा खतरनाक और असम लग रहा है देखने में, मतलब तुम लोग देखते तो यहाँ पे तुम लोग अपने हवा में मिनी लॉन्च पैड का यूज कर पा रहे हो, इसके ऊपर चढ़ चुके हो, पूरा एम भी कर रहे हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और भूतिया टाइप का लग रहा है, तो देखते तो तुम लोग ये वाले ट्रिक काफी ज्यादा खतरनाक और असम लग रहा है, तो इस वाले ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो तुम लोग वीडियो ऐसे भी लाइक नहीं करते हो तो करो यार लाइक, इतना लाइक कर दो ना इस बार कि अगली बार मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊं, तो करो लाइक। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को आ जाना अपने हैंगर के इस वाले प्लेस पे, तुम लोग ध्यान से देख लो इस वाले तो ब्रिज जो होता है ना मतलब डैम टाइप का बना हुआ है, इसके पास तुम लोग को आ जाना अपने मिनी लॉन्च पैड को लेके, फिर तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को इस वाली जगह पर कुछ ऐसा लगाना है, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो मतलब ऊपर करने का बटन होता है पूरा ऊपर इसे करना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है, फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा डैम के अंदर आ चुके हो, और ना जैसे तुम लोग पूरा डैम के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद लिटरली तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और यहाँ पे ना तुम लोग को कोई देख ही नहीं सकता यार, क्योंकि ना पूरा तुम लोग वॉल के अंदर हो, और यहाँ पे तुम लोग को कोई इनेमी स्पॉट नहीं कर सकता, तुम लोग इजीली यहाँ से बहुत सारे किल करके बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके मतलब बहुत ही आराम से ना हीरोइक को ग्रैंड मास्टर, तो तुम लोग के लिए ऐसे बच्चों का खेल हो जाएगा, और ना अगर तुम लोग सोलो खेलना पसंद करते हो तो ये वाली ट्रिक तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली, मतलब भगवान साबित होने वाली ये वाली ट्रिक तुम लोग के लिए, और इजीली इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर तुम अपने स्क्वाड के साथ भी ना इस वाली जगह पे आके चारों बंदे यहाँ से अपना इजीली रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना लास्ट वाला जो यहीं पे बन जाता है, तो ये वाली ट्रिक तो उस टाइम तो काफी यूजफुल होने वाली है तुम लोगों के लिए। ओके तो अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग अपना रैंप पे जो मोड आया ना उसको लगा लेना सबसे पहले, और जैसे तुम्हारा रैंप पे मोड लग जाए फिर तुम लोग को ग्लोबल हाथ में लेना है, और जैसे तुम लोग ग्लोबल हाथ में लगो तुम्हारा मतलब मैच चालू हो जाएगा, फिर तुम लोग यहाँ पे ग्लोबल हाथ में लेना है, यहाँ पे आके इलिमिनेट हो जाना सबसे पहले तुम लोग को जोन में जाके, और जैसे तुम लोग जोन में आके इलिमिनेट हो जाएगा और जैसे तुम लोग मरने वाले हो फटाक से तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना, मरने से पहले या मरने के बाद तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना है, जैसे कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पे पड़ी हो ऐसे ही बॉडी पड़ी होनी चाहिए, और जैसे कुछ सेकंड हो जाते 10-15 सेकंड सबसे पहले तो तुम लोग अपने डाटा को फिर से ऑन कर लेना, फिर तुम लोग को वेट करना है कुछ देर, और जैसे तुम्हारा कैरेक्टर लैंडिंग वाले प्लेस पे आ जाएगा जहां से बंदों को मारने जाया जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग को फटाक से अपने डाटा को फिर से ऑफ कर देना है, और फिर ना तुम लोग इसको कैंसिल करना है, हाथ में ग्लू वेल लेना है, और फिर तुम लोग को करना है कि तुम लोग को सेटिंग में जाना है सबसे पहले, फिर तुम्हारा जो रन वाला सेक्शन होता है इसे मिक्स पे कर देना है पूरा, और जैसे तुम लोग मिक्स पे कर देगा फिर तुम लोग को हाथ में ग्लू वेल लेना है, और आगे तुम लोग को साइड मतलब जो अपना जॉयस्टिक बटन होता है ना उसे आगे खींच के इसे रखना है, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर ना पूरा इनविजिबल होकर हाथ में ग्लू वेल लेके भाग रहा है, मतलब तुम लोग देख सकते हो ये वाली ट्रिक ना देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रही है, मतलब इनविजिबल होकर ना तुम्हारा कैरेक्टर हाथ में ग्लोबल लेके जो भाग रहा है ना काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में, और इस वाली ट्रिक को करने के बाद ना तुम लोग अपने फ्रेंड को ये वाली ट्रिक दिखा के ना उन्हें पूरा उल्लू बना सकते हो कि क्या ही ट्रिक है वाली, कैसे कोई बंदा ना इनविजिबल होकर हाथ में ग्लोबल लेके जा सकता है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो कितनी बार बोलो लाइक करो यार करो। ओके तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, तो उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और मुझे लग रहा है तुम लोग को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ही होगी, तो लाइक करो अब, अगर पसंद आई है तो क्या कर रहे हो यार, तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार ऐसी और अमेजिंग वीडियोज डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।